हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर लर्निंग वीडियो। आई होप आज आई वो ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी खासी रही होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था कि आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आपको आज अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने कल के दिन डिस्कस किया हुआ था। आज के लिए देख लेते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस किया और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कल के लिए। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी कल अराउंड, देखिए यहाँ पे अच्छा सा मोमेंटम के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, देखिए इस लेवल के आसपास। और यहाँ से हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि मार्केट को बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और देखिए क्या देखने को मिलता है आज, जो रेजिस्टेंस मेरा कल का था उसे एक बार देख लेते हैं। यही था मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है 44,540 के लेवल के अराउंड, यहाँ से एक ग्रे कलर क्लोज करता है तो यदि हम फॉल साइड के लिए जाएंगे मेरा फर्स्ट लेवल होगा ये, और सेकंड लेवल मेरा यहाँ पे 44,790 के अराउंड होगा, और मेरा थर्ड लेवल होगा 44,900 का। देखिए 900 की हमने यहाँ पे बात की हुई थी उस, और यहाँ पे हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था कि 45,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया 45,000 के लेवल को, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आ गया था तो यहाँ से इतना बड़ा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये मेरा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगा तो एग्रेसिवली हम जाएंगे कॉल साइड के लिए, मेरा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल। तो देखिए मार्केट ने आज पुट साइड के लिए जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि मेरा सपोर्ट है यहाँ पे 44,400 के एक के राउंड, ये अगर ब्रेक करता है एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो इजिली हम जाएंगे पुट साइड के लिए, मेरा फर्स्ट लेवल यहाँ पे मेरा एक तो पहला मेरा सपोर्ट ये था, सॉरी 44,340 के अराउंड मेरा सपोर्ट था, ये ब्रेक करेगा तो इजिली मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है। वहीं मेरा फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है 44,270 के अराउंड, और इसे ब्रेक करेगा तो इजिली फॉल करेगा यहाँ पे मार्केट 44,050 के लेवल के अराउंड तक। तो देखिए जो मेरा सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं कर पाया, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए था क्योंकि मार्केट ने कई बार देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी मार्केट ने, लेकिन मोमेंटम के साथ ही ब्रेक किया था। देखिए मोमेंटम के साथ ही ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी, तो इस वजह से मैंने इस लेवल को मार्क किया हुआ था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक करेगा तो इजिली एक इस लेवल पे आएगा, और इस लेवल का अगर ब्रेक कर देता है, क्लोज कर देता है एक रेड कैंडल तो इजिली फॉल करेगा मार्केट इस लेवल तक। और यहाँ से एक पैटर्न इस तरीके से बन सकता है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से इस वाले पैटर्न को फॉलो कर ले यहाँ पे ऐसा। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, देखिए फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद एक गैप डाउन था -30 के अराउंड, यहाँ पे ओपन होने के बाद फॉल करता है। आपको पता था कि मार्केट जब भी ओपन कर रहा है फिलहाल कुछ पिछले अगर एक वीक या फिर दो वीक की हम बात करें तो लगातार एक सेलिंग देखने को मिल रही है। देखिए सेलिंग देखने को मिल रही है लगातार, देखिए मार्केट ओपन होता है सेलिंग करता है फिर से राइज करता है, सेल करता है फिर राइज कर रहा है, सेल कर रहा है, देखिए मतलब ओपन होने के बाद सेल कर रहा है। वहाँ पे भी थोड़ी सी यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन मार्केट सेलिंग उतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे बायर्स इतनी तेजी के साथ बैठे हुए थे। जैसे मार्केट इस लेवल पे आता है तेजी साथ हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है। देखिए जब मार्केट इस लेवल पे आया कितनी तेजी साथ यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, तुरंत ही मार्केट को मोमेंटम के साथ यहाँ पे पूरे मार्केट को के मूव को चेंज कर दिए। वैसा यहाँ पे भी देखने को मिला, मार्केट इस लेवल पे आया अच्छा खासा यहाँ पे तेजी के साथ ट्रेडर यहाँ पे बाई करते हैं, और अच्छा खासा देखिए यहाँ पे बाई करने के बाद मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस भी मेरा ब्रेक हुआ, अच्छा खासा फर्स्ट लेवल अचीव हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट ने फर्स्ट लेवल पे, और यहाँ पे तेजी के साथ हमें सेलिंग देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल जो था यहाँ पे 44,670 का लेवल था, और वहाँ पे मैं बात करूँ निफ्टी 50 के अंदर वहाँ पर लेवल था करीबन 19,640 के आसपास, वहाँ से भी पे भी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी, और यहाँ पर भी बन रही थी सेम इसी लेवल पे आसपास हमें एक सेलिंग देखने को मिली। मार्केट देखिए सपोर्ट ब्रेक किया, जब मार्केट का रेजिस्टेंस जो था वही सपोर्ट का काम किया यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट सपोर्ट लेके अच्छा खासा अप साइड के लिए जाता है, और देखिए ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल तक फिर से आ जाता है, यानी कि जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था फिर से उसी सपोर्ट पे आया, और इस बार सपोर्ट को भी फिर से ब्रेक नहीं किया, और लेवल इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है इस लेवल पर, देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, और फाइनली देखिए मोमेंटम के साथ एक कॉल साइड के लिए यहाँ पे अच्छा खासा देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फर्स्ट लेवल अचीव हुआ और दूसरा लेवल भी अचीव हुआ देखिए यहाँ पे, और जो मेरा 44,900 का लेवल था, देखिए अगर आपको याद होगा कल के दिन जो हमने लेवल दे रखा था 44,900 का, उसी लेवल पर देखिए अचीव होने के बाद क्लोजिंग दी है इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे। तो यानी कि आज का ये रहा ओवरव्यू, और डिस्कस करेंगे कल के लेवल के बारे में कि कल कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो देखिए मार्केट अभी एक टॉप पे है, एक हाई पे है, और यहाँ से मैं बात करूँगा कि मार्केट के अंदर हर बार देखिए सेलिंग देखने को मिली है, क्या इस बार भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है? तो उससे पहले चलेंगे यहाँ पे 45,000 के 45 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर।
देखेंगे कि क्या एक्चुअली में मार्केट यहाँ पे कर रहा है। देखिए राइस पे शॉर्ट यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि मार्केट जब जब राइस कर रहा है वहां से हमें शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। और देखिए जो यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि मार्केट का ये जो ये रेंज है ये एक साइडवेज जोन है, ये मार्केट का साइडवेज जोन है, इस रेंज के अंदर आएगा मार्केट, साइडवेज रहेगा। और यहाँ पे देखिए मार्केट जब आया था मोमेंटम के साथ इस लेवल पे तो साइडवेज रहा था करीबन, यहाँ पे अगर बात करें 1 घंटे के आसपास मार्केट साइडवेज रहा है। और देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट करके अच्छा खासा इस लेवल पर क्लोजिंग दी है, यानी कि एक टॉप पे क्लोजिंग दी है। देखिए जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस के आसपास एक क्लोजिंग दी है मार्केट ने, यहाँ से कुछ भी हो सकती होगी, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है या फिर मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ से कॉल साइड के लिए जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मार्क करना है यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस को मैं आपको दूंगा वो मार्क करना है, यानी कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे मेरे, सिंपल यही है। मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस मेरा 44,900 का बनेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा, ये ब्रेक करते ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए। ये ब्रेक करेगा हो सकता है कि कल एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिल जाए, यानी कि 45,000 के लेवल के आसपास ओपन भी हो जाए, क्योंकि मार्केट जब एक अच्छा खासा रिकवरी करता है तो मार्केट कम से कम 2 से 3 दिन उस ट्रेंड को फॉलो करता है। और देखिए मार्केट ने कितनी अच्छे खासे एक मोमेंटम के साथ आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ से यही बन रही है कि मार्केट थोड़ा सा और यहाँ पे रिकवरी कर सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए बहुत टाइम से इसी रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा था और फाइनली एक रेजिस्टेंस पे आके क्लोजिंग दे दिया है। क्लोजिंग के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए। तो कॉल साइड के लिए मैं बात करूँ यही है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा 44,900 के लेवल को, इसलिए आपको यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है 45,100 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसे ब्रेक करेगा तो इजिली आपको 45,400 का लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पुट साइड के लिए, तो पुट साइड के लिए मेरा सपोर्ट है 44,820 के अराउंड, ये अगर सपोर्ट ब्रेक किया तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। मेरा फर्स्ट लेवल यहाँ पे 44,700 के अराउंड मेरा फर्स्ट लेवल होगा, दूसरा मेरा लेवल 44,530 के अराउंड होगा, ये दोनों मेरे लेवल सपोर्ट के लिए हो जाएंगे और वो मेरे लेवल कॉल साइड के लिए हो जाएंगे। तो आपको बस देखना है कि मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम है, और यहाँ से ब्रेक करेगा सपोर्ट तो इन दोनों लेवल्स तक आप वेट कर सकते हो आप, और मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप कॉल साइड के लिए इन दोनों लेवल्स तक वेट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।